कहा जाता है इंसान की किस्मत उसे कई रास्तों से गुजारते हुए उस मुकाम तक पहुंचाती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। पर वही रास्ता परेशानी से भरा हो तो इंसान बीच रास्ते में ही हार मान लेता है, पर कुछ लोग जिद्दी होते हैं और मुकाम हासिल कर लेते हैं। वो सुहाने दिन इस चैनल पर मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ उस हस्ती की कहानी जिसे किसी ने तवायफ कहा, किसी ने चरित्रहीन कहा, किसी ने कोठे वाली कहा, किसी ने देवी कहा, किसी ने मुस्लिम कहा तो किसी ने हिंदू कहा। पर कहते हैं ना, जमाने की कड़वी बातें चाहे कुछ भी हो, पर एक कलाकार की पहचान उसकी कला होती है। पर आज हम कहते हैं जद्दन बाई, जिनके चरित्र को लेकर इतना तहलका मच जाता है, वो एक सच्ची कलाकार थी। वो भारत की पहली म्यूजिक डायरेक्टर थी। उस वक्त महाराजाओं के दरबार में नृत्य कर लेने से अगर किसी ने जद्दन बाई को तवायफ कह दिया तो गलती जमाने के नजरिए की है। 1892 में जद्दन बाई एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी। उत्तर प्रदेश के गौशवारा में जन्मी जद्दन का नाम दलिया था। बचपन में ही शादी हुई और कुछ समय बाद डाकुओं ने पति की हत्या कर दी। अब दलिया बालिका विधवा थी। जमाने की कड़वी बातों ने दलिया और उसके परिवार को जीने नहीं दिया। तंग आकर परिवार ने दलिया को एक मेले में छोड़ दिया। वाराणसी में अकेली बेसहारा दलिया भटक रही थी। उस वक्त दलिपा बाई की नजर छोटी दलिया पर पड़ी। दलिपा बाई उस वक्त की प्रसिद्ध नृत्यकी थी और तवायफ चलाती थी। दलिपा बाई ने दलिया की परवरिश अपनी बेटी समान की और उसे क्लासिकल नृत्य ठुमरी के साथ गजल भी सिखाया। धीरे धीरे दलिया को लोग जद्दन बाई कहने लगे क्योंकि बड़े बड़े राज्यों के दरबार में वह महफिल सजाती थी। आगे चलकर जद्दन बाई ने 3 शादियां की। पहली शादी गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास खत्री से हुई, जिन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया। खत्री से जद्दन को पहला पुत्र हुआ अख्तर हुसैन, जो आगे चलकर एक्टर डायरेक्टर बना। जद्दन की दूसरी शादी सारंगी वादक उस्ताद मीर खान से हुई। इनसे उन्हें दूसरा पुत्र हुआ अनवर हुसैन। आगे चलकर अनवर फिल्म जगत के प्रसिद्ध एक्टर बने। जद्दन की तीसरी शादी अब्दुल राशिद से हुई। किस्मत का खेल देखिए, अब्दुल राशिद भी कन्वर्टेड मुस्लिम थे। अब्दुल राशिद से एक पुत्री प्राप्त हुई जो आज संजय दत्त की मां नरगिस कहलाती है। ये 3 शादियां जद्दन ने किस्मत से ठोकरे खाते हुए करी। जद्दन बाई का मुस्लिम धर्म से बड़ा गहरा नाता था, पर वो तन और मन से सदा हिंदू ही रही। धीरे धीरे लोग उन्हें हिंदू मुस्लिम समानता का प्रतीक भी मानने लगे। जद्दन बाई को म्यूजिक से बहुत प्यार था। महफिलों में फेमस होने के बाद उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे। वह गजल रिकॉर्ड करने लगी और रेडियो पर गाने भी गाने लगी। इस तरह जद्दन बाई का कनेक्शन फिल्म लाइन से हुआ। वो भारत की पहली महिला म्यूजिक कंपोजर बनी। फिल्म में लिखने के साथ साथ वह दिग्दर्शक भी बनी और खुद की फिल्म कंपनी संगीत फिल्म्स का शुभारंभ किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने 3 बच्चों को रास्ता दिखाया और आगे चलकर 3 बच्चे फिल्म जगत के महान हस्तियां बने। जद्दन बाई ने कुल 4 फिल्मों का दिग्दर्शक किया और 4 फिल्मों को संगीत दिया और कई फिल्मों में एक्टिंग भी की। उनकी फिल्म मैडम फैशन आज भी प्रसिद्ध है। वो उस जमाने की थी जब फिल्मों में महिला का काम करना पाप समझा जाता था। उस समय जद्दन बाई ने समाज को हिंदू मुस्लिम समानता का रास्ता दिखाते हुए महिलाओं को नया मार्ग भी दिखाया और अपने बच्चों का करियर भी बनाया। जद्दन बाई उर्फ दलिया का निधन 8 अप्रैल 1949 में उम्र के 57 साल में हुआ। यह कहानी सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि जीवन तकलीफों से गुजर रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपको सही रास्ते पर लेकर आया है। चुनौती पूर्ण रास्ते से जो गुजरता है उनके कदमों को सफलता चूम लेती है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।